जीन, आ, so, अपनी आवाज म्यूट रखिए जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए प्लीज अपनी आवाज़ म्यूट रखिए जो बात नहीं कर रहे ठीक है आ, ये जो मीटिंग है इसका मकसद जो है ये हमारी इंटरनल मीटिंग है बट हम इसको लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू शो वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के वट आर वी राइट Uh, this is one of of the 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 Sunnah Sunnah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. process process needs needs to to be be transparent, as 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 per per Sharia, and the process needs to be basically uh, documented as well. दिस इज वन hai दन्नासूल है वह है अनाफेस हमने अब अपना का, का काम शुरू कर दिया तो एग्रेडेशन क्या है हम क्या कर रहे हैं ये आप सब लोगों को बताया जा रहा है यहाँ पर इस वक्त 94 के करीब लोग हैं जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं बाकी जो सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं सब लोग हैं वो सिर्फ देख सकते हैं बाहर से कि क्या हो रहा है Uh, हमने जब ये काम अपना सारा स्टार्ट किया था इट के हम कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं एक मिनट दीजिए जब हमने ये काम शुरू किया था तो हमारा मकसद था कि हम यूनिवर्सिटी बने आज 2018 के बाद जब जून में हमने काम शुरू किया था करते 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 हम यहां तक तो पहुंच गए अब हम बनने के लिए जा रहे हैं एक लंबी जर्नी थी एक लंबा रास्ता था अल्लाह ताला की फजल से हम वहां तक पहुंच गए और अब इंशाल्लाह शाह इससे और आगे भी जाना है और दूसरे काम भी करने हैं तो ये एक्रेडेशन की जो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत वो सारे बच्चे जो एडवांसमेंट ट्रैक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए इसमें क्या है उनको इसमें क्या फायदा होगा क्या चीजें मिलेंगी ठीक है ना ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट हैंडेशन का जो प्रोसेस है ये बहुत डिटेल प्रोसेस है आप सब लोग जो यहाँ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं चीफ के बाद चीफ लेवल ऑफिसर्स के बाद यहाँ तीन इस वक्त कंपनी में तीन चीफ्स हैं माई सेल्फ मी सी ओ एंड सी आईओ इशराकसारी सी एफ ओ ठीक है और सी ओ भी उसी के पास अभी फिलहाल टाइटल है और तीसरा जो है ऋशान महबूब साहब ठीक है ना ये तीन चीफ्स हैं हमारे पास इनके अंडर पूरी कंपनी आती है मल्टीपल लोग हैं मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं उसके नीचे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं डायरेक्टर्स में हमारे पास चार डायरेक्टर्स है, हैं पांच छह हैं एक यूसफ रियाज हैं जो डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक एंड ऑपरेशन हैं एक अब्दुल्ला खान हैं जो कि डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड ऑपरेशन हैं एक वजाहत हैं जो सईद वजाहत अली हैं जो कि डायरेक्टर ऑफ पोर्टल ऑपरेशन हैं ठीक है इसी तरह हमारे पास एक उसामा हैं जो कि बेसिकली सीनियर मैनेजर हैं बिजनेस एप्लीकेशन एंड ऑपरेशन के ठीक है एंड द लिस्ट गोज ऑन अब्दुल्ला तारिक हैं सायरा हैं किरण दिस अ लॉन्ग लिस्ट जो हमारे सारे जो लोग हैं हमजा है यहाँ पर सेल्स डायरेक्टर इंड सपोर्ट ठीक है ना द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जब आप फंस जाते हैं तो आपको हमजा के पास जाना होता है मकसद हमारा इस मीटिंग का ये है कि हम आपको बताएं कि हम क्या करने जा रहे हैं और हम आपको अपडेट्स इस पे देते रहेंगे सबसे पहला जो काम हम करने जा रहे हैं वो है कि हम अपने जितने भी ट्रैक्स हैं इस वक्त जितने भी हमारे ट्रैक्स हैं और वो ये सारे ट्रैक्स हैं अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास आई टी डेवॉप्स का ट्रैक है ब्लॉक चेन एडवांसमेंट ट्रैक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांसमेंट ट्रैक है ये जो ट्रैक्स पड़ता है तो वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री में जा सकता है डेवॉप्स का ट्रैक ऐसा है कि वो कोई भी करे तो वो किसी भी डिग्री में जा सकता है ठीक है ना इसके अंदर एक और भी सिक्स सेवनटीन भी आ गया है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एडवांसमेंट ट्रैक है बट वी आर वर्किंग ऑन इट ठीक है ना और, there's, there's more, और भी दे बहुत सारे हैं बट अभी हमने फिलहाल ये आपको मैं दिखा रहा हूँ uh, अगर आपने हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना है या किसी भी दुनिया के कॉलेज में एडमिशन लेना है ठीक है चाहे आपने बैचलर्स किया हुआ हो या ना किया हुआ हो तो ये सारे रास्ते आपके पास एडवांसमेंट ट्रैक की सूरत में मौजूद हैं इन तमाम एडवांसमेंट ट्रैक्स को हम लोग एकडेशन एक्रेड़, कराने के ऊपर काम कर रहे हैं ठीक है एक्रेडेशन किससे होगी क्या होगी मैं आपको बताऊँगा लेकिन अगर आपको डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आपको ये करना पड़ेगा यहाँ आपको नजर आ रहा है कि कैट नहीं है क्योंकि कैट जो है वो ऑलरेडी इसका पार्ट है अगर आप डेबॉक्स एडवांसमेंट ट्रैक करते हैं ठीक है तो उसके अंदर कैट है अगर आप वुमेन एडवांसमेंट ट्रैक करते हैं तो उसके अंदर तो डेबॉक्स अगर आप करें तो वो उसके अंदर ही कैट और वैट एक ही चीज़ है फर्क इतना है कि फीस का फर्क है कि हमने खवतिन के लिए फीस कम रखी है मर्दों के लिए फीस थोड़ी ज्यादा है मतलब कि अप्रोप्रिएट है खातिन के लिए कम है ज्यादा मैं नहीं कहूंगा हम ऑलरेडी फीस कम कर चुके हैं राइट तो ये सारे ट्रैक्स हैं अगर मुझसे कोई पूछता है कि मुझे कौन से ट्रैक्स करने चाहिए तो मैं यही कहूंगा कि डेबॉक्स ब्लॉकचेन, एआई, बिग डेटा और Ops, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद जो दूसरे ट्रैक्स हैं वो सप्लीमेंट्री आप करते है अपनी मर्जी से आगे बढ़ते रहे सबसे जो पहली चीज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो एक्रेडेशन प्रोसेस में हमारे पास बैक है ब्रिटिश एक्रेडेशन काउंसिल एजू क्वालिफिकेशन है जो स्कॉटलैंड का है ई एडीएल है यूरोपियन जो एजेंसी का है डिस्टेंस लर्निंग का एसिक है और फिर ओ है ठीक है इन चारों के ऊपर मैं आपसे पांचों के ऊपर बात करूंगा तो जो सबसे पहली चीज है वो जो हम रहे करें वो एजुकॉल है ये रेगुलेटेड बॉडी है यूके के अंदर जो यूनिवर्सिटीज एंड एम्प्लॉयर्स को वो करती है इसका मतलब ये होगा कि जब हमारी क्वालिफिकेशन इसके पास से एक होती है तो हम लोग बेसिकली जो भी आपको क्वालिफिकेशन देंगे वो दुनिया में एक्सेप्टेड होगी दुनिया में वैलिडेटेड होगी दुनिया में उसको माना जाएगा ठीक है ना इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आपने इंटर किया हुआ है और आपने ये हासिल कर लिया एडवांसमेंट ट्रैक पढ़ ली क्योंकि हम एडवांसमेंट ट्रैक के ऊपर सबसे पहले ठप्पा लगवा रहे हैं और ये सारा का सारा ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग पर है क्योंकि दुनिया अब तब्दील हो चुकी है सब घर से काम करते हैं रिमोटली पढ़ते हैं तो हम डिस्टेंस लर्निंग को सबसे पहले करा रहे हैं ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग ठीक है देर इज नो ब्लेंडेड लर्निंग एज ऑफ राइट नाउ ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब होता है कि क्लासेज भी हो रही है फेस टू फेस क्लासेज फेस टू फेस क्लासेस हम नहीं कर रहे हैं क्लासेस होंगी जिसमें आप बैठ सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं उसके लिए बहुत सारे काम है मोस्ट right? तो तो जो है यूके की तमाम यूनिवर्सिटीज उसको मानती हैं दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज उसको मानती है उनको रेकग्नाइज किया जाता है राइट स्कॉटिश क्रेडिट एंड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है जो पूरे यूरोप के अंदर सब जगह उसको माना जाता है ठीक है ना ये करवाना जरूरी है और दुनिया में यहां पर आप यूनाइटेड स्टेट्स में और आपको मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर यूके में सब जगह नजर आएगा कि कहा किधर किधर इसको वो किया जाता है एक्सेप्ट किया जाता है सोन एंड सोफोद राइट तो ये एक बहुत जबरदस्त चीज है इसके ऊपर हम लोग फाइलिंग की तैयारी कर रहे हैं और इस मंथ के एंड में हम इसको अप्लाई करेंगे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सेकेंड जो चीज आती है वो आती है आपका बेसिकली बैक ब्रिटिश एक्रेडेशन काउंसिल ब्रिटिश एक्रेडेशन काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसकी पूरी तैयारी हो रही है इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा ठीक है ये जो आ, है ये इनके पास मुख्तलिफ स्कीम्स होती हैं जिसमें आपको अप्लाई किया जाता है आ, दुनिया में 200 से ज्यादा कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज एक्रेडिटेड हैं ठीक है जिन जिन ममालिक में उन सबका नाम लिखा हुआ है पाकिस्तान यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता इंडिया में दो इंस्टीट्यूट हैं ठीक है जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल बेकार की चीजें आप देख लें लेकिन फायदा ये है इसका कि अगर हमारे पास बैक अल्लाह ताला हमें देता है और इनशाला हम इसके ऊपर काम कर कर रहे रहे हैं हैं वी विल सिक्योर इट तो ऑनलाइन डिस्टेंस एंड ब्लेंडेड लर्निंग पे हम हासिल कर रहे हैं। इसके एक टेस्टिंग होती है पूरा ऑडिट होता है सब कुछ देखा जाता है और जब वो हमारे पास आ जाता है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि दुनिया में हर यूनिवर्सिटी उसको रिकग्नाइज करती है राइट right? दुनिया में हर वो क्रेडिट आवर हैं यू कैन इवन एक्सेप्ट तो जो एडवांसमेंट ट्रैक पढ़ता है और उसको खत्म करता है तो उसके लिए जो सबसे आसान रास्ता है चाहे उसके पास आ, अगर उसने मैट्रिक किया हुआ है दो तीन साल का गैप आ गया है और उसने ये कर लिया तो हम उसको डायरेक्टली बैचलर्स में एडमिशन दे सकते हैं वी विल बी एबल टू डू दैट ठीक है प्रोवाइडेड उसने आइल्स वगैरह सब पास करना होगा अगर उस बैचलर्स कर रहा है और कर ली और ये कर लेता है तो हम उसको एक साल तक का क्रेडिट दे सकते हैं ठीक है ना अगर उसने एक साल बैचलर्स पढ़ लिया है जो भी है और ठीक है दो साल उसके रह गए तो ये सारी चीजें आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगी ठीक है बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम काम कर रहे हैं अगर कोई मास्टर्स करने के लिए जा रहा है और इसने इंटर किया हुआ है और बीच में बहुत गैप आ गया है तीस उसकी साल बत्तीस साल उसकी उम्र हो गई अट्ठाईस साल जो भी है इंटर के बाद से उसका गैप आ गया है और वो बैचल हमारे पास एडवांसमेंट ट्रैक करता है तो वो मेच्योर स्टूडेंट राउट होता है उसमें वो उसके जरिए मेच्योर स्टूडेंट राउट ठीक है ना एडमिशन इन यूके हो सकता है हम उसको दे सकते हैं अब वो उसको उसको माने ना माने वो अलग बात है लेकिन हम उसको दे सकते हैं और ये एक पूरा तरीकेकार है जो कि यू कैस जो है वो इसको करती है और मेच्योर स्टूडेंट का एक पूरा राउट है जिसको हम पूरा कंप्लाई करने के ऊपर काम कर रहे हैं ठीक है तो दिस इज अगेन मेच्योर स्टूडेंट्स योर क्वालिफिकेशन हम हमारी वो मानी जाएगी और हम उसके ऊपर बच्चा है तो वो डायरेक्टली मास्टर्स में भी एडमिशन ले सकता है हमारी कंपनी में इस पर बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं कि जो जिनके पास ना इंटर है या मैट्रिक है और उनकी एज थर्टी थर्टी फोर थर्टी टू इस तरह हो चुकी है और उनके पास वो नहीं है तो दे विल बी एबल टू अप्लाई एज वेल ठीक है ना बेस्ड ऑन एडवांसमेंट 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 ट्रैक ट्रैक बेस्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रैक उसके एग्जाम्स भी होंगे हमें वो भी कंडक्ट करना होगा वो सब चीजें होंगी और फिर आपको उसके बाद क्वालिफिकेशन दी जा सकती है ये सब इस चीजों पर हम काम कर रहे हैं ठीक है तो ये एक बैक uh, एग्रेडेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीसरी एग्रेडेशन जो हमारे पास आती है वो आती है ई की Uh, EADL जो है वो यूरोपियन एजेंसी है जो एसोसिएशन फॉर डिस्टेंस लर्निंग डिस्टेंस लर्निंग जो है इसके लिए अगर आपके पास ये है तो आपका जो एल है जो सब चीजें हैं वो यूरोपियन रिक्वायरमेंट्स के बराबर हैं ठीक है ना एंड अलहमदिल्ला जो हमने नया एल ब्लो अप द कॉम्पिटिशन माइल्स है पूरा उड़ा देते हैं कोई मसला नहीं हमारे लिए तो ये सब चीजें हम लोग इसके ऊपर कर रहे हैं उसको लेके जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हमारी सारी इमर्सिव चीजें हैं सब जबरदस्त चीजें हैं एंड वी आर फाइलिंग फॉर दिस वेल इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है बेसिकली आयसाका आयसाका का पूरा एक अकेडमिक कैरिकुलम वर्क पार्टनरशिप प्रोग्राम है जिसके लिए आज मेरी मीटिंग भी है ठीक है ना अगर मैं आपको दिखाऊं आज मेरी मीटिंग uh, है आयसाका के साथ आई हैव अ मीटिंग टुडे जिसमें मैं आयसाक के साथ बैठ के डिस्कस करूंगा कि हम लोग किस तरीके से जो है ना इनकी पूरी तमाम क्वालिफिकेशंस को हमारे अपने प्रोग्राम्स में मैप करेंगे उसका फायदा ये होगा कि आसाका तमाम जो दुनिया में जो रेकग्नाइज यूनिवर्सिटीज हैं वो जानती हैं ऐसे नहीं जिन्होंने यहाँ लिखा हुआ है अनफिल्ड पोजिशन दुनिया में इस वक्त सात लाख दस हजार अनफिल्ड पोजिशन हैं ठीक है और ये ज्यादातर जो है वो यूएस के अंदर और जी ट्वेंटी कंट्रीज में है ठीक है ना आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मफूज़ गैप होता चला जा रहा है Osionfish. तो ये जो चीज है हमारी हम उसके अंदर अपनी इनकी जो तमाम क्वालिफिकेशन है ये जिसे डेटा साइंस फंडामेंटल्स को तो, तो हम पूरा ब्लो अप करते हैं ये सारी चीजें ये सब चीजें सीसा सब चीजें हम वी आर ब्लोइंग अप द सो वी विल बी मैपिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स विद इन अवर कोर्सेस जैसे आई ओ टी है तो आई ओ टी के एडवांसमेंट ट्रैक में आ जाएगा सीसा है तो साइबर सिक्योरिटी एंड ऑडिट के प्रोग्राम एडवांसमेंट ट्रैक में आ जाएगा ठीक है सी रिस्क है तो ये रिस्क मैनेजमेंट आई टी के अंदर आ जाएगा जैसे हमारा आई टी के ऊपर भी एक पूरा ट्रैक है आई टी जी एडवांसमेंट ट्रैक राइट तो ये जो सारी चीजें हैं हम उसको इसी तरह मैप करते हुए लेकर जा रहे हैं दिस इज वेरी वेरी बिग इनशाला ठीक है ना इसका मतलब ये होगा कि आप दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे आप वैलिडेटेड होंगे एक्सेप्टेड होंगे और आपकी चीजें मानी जाएंगी हाँ हम आपकी पूरी तैयारी करवा देंगे उसके बाद फिर आपको एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं लेकिन वो सर्टिफिकेट ही काफी है आपके लिए जो हम दे रहे हैं जो इशू कर रहे हैं जिसमें आ, आप मेरी ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जॉब विदाउट किसी क्वालिफिकेशन की हो जाती है अलहमदुल्लह बिकॉज वो दिखाते हैं कि भाई हमने सारी चीजें की हैं कंप्लीट तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जो हम आपको देंगे और इसके बहुत बेनिफिट्स हैं आपको ठीक है ना और आपको फर्स्ट ईयर फ्री फर्स्ट ईयर आयसा का मेम्बरशिप दैट इंक्लूड्स क्रेडेंशियलिंग एग्जाम प्रेप एंड एंड टेस्टिंग डिस्काउंट्स मेंटरशिप लोकल चैप्टर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज हम आपको ये पूरे देंगे स्टूडेंट्स जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एकेडमिक पार्टनरशिप प्रोग्राम में उनको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे अ लॉट ऑफ थिंग्स इस बेन, इस मेंबरशिप इस से हमें मिलेंगे इसका एक पूरा तरीकेकार है ये मैंने 2005 में मैं पहला एकेडमिक एडवोकेट था यूके में जिसने ये किया था ठीक है आई वाज द फर्स्ट वन एंड सेकंड इन यूरोप राइट और वो उसका बड़ा बहुत प्रोग्राम चला जितने बच्चों ने उसमें पढ़ा वो दुनिया में आज सब जगह सक्सेसफुल जगहों पर बैठे हुए तो ये हमारी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसपे हम काम कर रहे हैं इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है आपकी एसक ए एस आई सी एसक जब हम बैक ले लेते हैं एजुकअल ले लेते हैं ई ए डी एल ले लेते हैं आशाका ले लेते हैं ले ले है, ले ले है, फिर हम एसक के लिए अप्लाई करेंगे ये सब एक एक महीने के गैप से सारी दो दो हफ्ते के गैप से सारी हम अप्लाई कर रहे हैं एसक जो है एक्रेडेशन सर्विस फॉर इंटरनेशनल स्कूल्स कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज एक इंडिपेंडेंट uh, बॉडी है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं ये जो है हमें अलाउ करेगी कि हम दुनिया में जो भी एक यूनिवर्सिटीज हैं हैं स्कूल हैं ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशनलाइन डिस्टेंस लर्निंग लर्निंग प्रोवाइडर्स हैं इन सब का नाम यहां पर आता है इसकी वजह से आपकी जो क्वालिफिकेशन है जो आप एडवांसमेंट ट्रैक पढ़ रहे हैं उसकी दुनिया में हर जगह वैलिडेशन होगी ठीक है लास्ट बट नॉट लीस्ट हम अप्लाई करेंगे ओ एफ एस ओ एफ एस जो है ये वो बॉडी है कि आप दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा लें दुनिया की कोई बड़ी यूनिवर्सिटी यूके में उठा लें यूके के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देख लें आप दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी देख लें ये ओ एफ एस के बगैर वो काम नहीं कर सकते ठीक है बिकॉज ये वो बॉडी है जो सबको मैनेज करती है मेनटेन करती है और देखती है कि भाई आ, वो आ, उनका जो प्रोग्राम है वो स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा सोने सो को तो हमारे जो एडवांसमेंट ट्रैक्स हैं डेव के हो गया सैकॉप हो गया ए आई का हो गया जितने भी हमारे ट्रैक्स हैं ये जितने भी ट्रैक्स हैं ये सब के सब इन सब से वैलिडेटेड होंगे और इस ओ की वजह से बी और एमएससी प्रोग्राम्स की डिग्रीज को हम इशू कर सकेंगे डिग्री अवार्डिंग पावर हमारे पास आ जाएगी ठीक है ये सारा काम जो है हमारा हमारे नए एल के ऊपर हो रहा है जो हमारा नया एल है राइट तो जो नया एल है इसमें बहुत सारी चीजें हैं इसमें आप देख सकते हैं जब आप लॉग इन मैं लॉग आउट करता हूं ठीक है जब आप लॉग इन लॉग आउट करेंगे इसमें आपको ये हम इसको ये प्रोडक्शन में आ गए हम इसको रिलीज करने वाले हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए अब से आप जो जो नए कोर्सेज लेंगे आपको यहाँ पर ही एल में ही मिलेगा कितने लेसन क्या है क्या नहीं है हर चीज आपको यहाँ मिलेगी कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है ठीक है कौन से कोर्सेज आपको करने हैं वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी दिज अलॉट ऑफ थिंग्स जिसमें हम काम कर रहे हैं और जिसपे अभी हमारा काम चल रहा है इसमें डार्क मोड भी है ये भी है वो भी है सो ऑन एंड सो सोपोर ये सब चीजें आपको वहां पर मिलेंगी आ, ये बात याद रखिएगा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी होती चली जा रही है उसमें लोग आते चले जा रहे हैं का काउंट है हमारा हेड ठीक है तो ये जो पॉलिसीज हैं ये बहुत मैटर करती हैं जो हमारा और चार्ट है जो सी लेवल के ऑफिसर्स कौन कौन से हैं क्या है क्या नहीं है कौन कौन से पोजिशन वेकेंट है अभी जो आ रही है मुख्तलिफ नई पोजिशन पे लोग आ रहे हैं ठीक है हाँ रजा अली जो है ये हमारी सीटियो में तो देर आर फोर बेसिकली हमारे पास जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं राइट right? बाकी इसमें भी और पोजिशन भी खाली हैं चीफ डेटा ऑफिसर चीफ कम्पलाइंस ऑफिसर चीफ ऑपरेशन ऑफिसर ठीक है सी आई ओ है दिस लॉट ऑफ थिंग्स राइट इस हम अभी काम कर रहे हैं बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आप सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं जिनको काम करना है ये पॉलिसीज आप लोगों के पास आएंगी एच आर पॉलिसीज ये एच आर के पास आएगी

पे की डॉक्यूमेंटेशन यूनिफाइड चैट की डॉक्यूमेंटेशन बिकॉज ये सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए ताकि लोग हमारी जो सपोर्ट है उनके पास स्टूडेंट्स के पास एक रास्ता होगा कि वो हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं so so on, right? तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे मैंने आपको बताया कि अब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली है ठीक है इस टाइम पर अब जो भी आकर एडवांसमेंट ट्रैक्स पढ़ता है और जो पढ़ रहा है पहले से जो कर रहा है ये हम उसको अब जमानत दे सकेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स के वो यहाँ पर वैलिडेटेड होगा ना इन तमाम चीजों को दो दो तीन तीन हफ्ते लगते हैं महीना लगता है दो दो महीने लगते हैं एक्रेडेशन होने में तो पैदल पे हम कर रहे हैं जैसे वजू करते हैं ना पैदल पे वजू करते हैं ठीक है ना बैक टू बैक तो बैक टू बैक हम इसको फाइल करने के लिए जा रहे हैं इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मेरे साथ आ, मैं खुद लीड कर रहा हूँ ऑफ रियाजन एंड एक मेरे साथ लीड कर रहे हैं एन जो हमारे मैनेजर हैं कम्प्लाइंस के राइट ये तीनों लोग हैं इनके साथ बरीरा हैं और मुख्तलि दूसरे लोग भी हैं जुनैरा सोहेरा तारिक मबू रहा के सारे बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं तो ये जो क्रिटिकल जो सारा स्टाफ है ये मेरे साथ फोर फ्रंट पे है सी एफ ओ और मेरे साथ ताकि इशार अंसारी के साथ ताकि सब चीज़ें कंप्लीट हों हमने तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको एटीन को फाइल करना है एटीन को हमने फाइल करना है वी मस्ट इंश्योर कि हमारी एटीन को जितनी चीजें हैं वो सारी फाइल हो जाए अगर आप देखेंगे ऑनलाइन बैक जो हमने पच्चीस को करनी है कंप्लीट करनी, करनी, तो बैक बैक करनी है इसका मतलब ये होगा कि फेब्रवरी का सेशन हम यूके में फॉरन से स्टार्ट नहीं कर सकेंगे लेकिन मे कर सकेंगे लेकिन जो अभी पढ़ रहा है हमारे पास एडवांसमेंट ट्रैक्स ठीक है जो वो कर रहा है उसके पास ये अश्योरिटी होगी कि वो मे में हमारे पास एडमिशन ले सके तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है डिग्री प्रोग्राम्स में उसके लिए आपको ये जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं ये स्टार्ट करने पड़ेंगे ठीक है ना डेव ऑप्स ब्लॉक चेन बिग डेटा ऑफेंसिव साइबर डिजिटल फॉरसिक टाटा अगर आपको फॉरन से जॉब सिक्योर करनी है और वो सारा काम करना है तो डेव ऑप्स ब्लॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट है यू डोंट नो यू डोंट रियलाइज की इसकी क्या ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है ए आई बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप सारे काम तो नहीं कर सकते आप एट ए टाइम दो दो स्टार्ट कर सकते हैं एक एक स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको करना है स्टार्ट विद दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके साथ साथ जो हम सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ दे रहे हैं वो है हमारा अलाफे क्लाउड अलाफे क्लाउड जो है ये हम लोग लेकर आ रहे हैं और इसको हम लोग लॉन्च करने वाले हैं बेसिकली 25 तारीख को अल्लाफे जो ए का जो क्लाउड होगा उसमें ये फायदा होगा आपको कि यू विल बी एबल टू लॉग इन एज अ स्टूडेंट ऑफ एन एडवांसमेंट ट्रैक तो अगर आपके पास डेब का एडवांसमेंट ट्रैक है या का है ए आई का है या आपके पास जो है ना ऑप्स का है कैटरबैड को छोड़ के बैड की सारी लैब्स अंदर कंटेनर्स में लेकिन उसके बाहर अगर आपको उन दूसरों की लैब्स भी कंटेनर्स में भी हैं मगर उसके अलावा उनको क्लाउड का एक्सेस भी मिलता है तो अगर आपको वो चाहिए उसके लिए आपको हम एक आई डी प्रोवाइड करेंगे एक आपको आईडी दी जाएगी उस आईडी के जरिए आप लॉग इन करेंगे डायरेक्टली क्लाउड के ऊपर ठीक है डायरेक्टली क्लाउड के ऊपर अगर आप देखें तो ये इस तरह आपको पूरी आईडी दी जाएगी उससे आप लॉग इन कर जाकर सब चीजें देख सकते हैं कर सकते हैं कि कैसे कहाँ जाना है क्या करना है कौन सी लैब मुझे करनी है तो आप उसकी वीडियो एल पे देखेंगे आप वीडियो एल पे देखेंगे और उसके बाद फिर आप लॉग इन करके पोर्टल के अंदर से ही लॉग इन करेंगे बाय द वे यू विल लॉग इन फ्रॉम द पोर्टल कंटेनर के अंदर से लॉग इन करके जो डेब किया हुआ होगा उनको ये एक्स्ट्रा चीज मिलेगी जिसमें वो ए के क्लाउड पे लॉग इन कर कर अपनी तमाम सर्विस देख दे सकेगा क्या मेरे पास आई एम है राउट फिफ्टी थ्री है ई टू है वी है एस थ्री है अतना है जो जो चीजें हैं जो उसको मिलेंगी वो जाके आ, यूज करके काम कर सकेगा जैसे ई सी टू इंसेंस खड़ा करना है या वी पी करना है जो भी है जो उसके लिए लिमिटेड है क्योंकि इसमें अलग अलग टेयर्स हैं ये आपको 25 नवंबर को इसका एक्सेस दे दिया जाएगा ठीक है ना जो ट्रैक है उसमें आपको लिमिटेड एक्सेस मिलेगा आप थोड़ा सा कर सकते हैं लेकिन अगर आपको ज्यादा चाहिए ज्यादा करना है आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी बिकॉज ये बिल्कुल डिफरेंट सर्विस है हमसे जो हो सकता है हम आपको मिनिमम मिनिमम उसका एक्सेस दे रहे हैं लेकिन अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ज्यादा लैब्स करनी है ज्यादा चीजें ज्यादा देर तक चलानी है तो उसके लिए आपको अलग से इस सर्विस को खरीदना पड़ेगा बिकॉज दिस इज सेपरेट सर्विस हाँ डिग्री प्रोग्राम्स में आपको ये चीज एम्बेडेड मिलेगी आपको टेयर थ्री मिलेगा उसके अंदर इसमें चार टेयर टेयर जीरो है जो सिर्फ डेमो यूजर्स को मिलेगा कि वो लॉग करके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है ठीक है देख सकते हैं बस दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उनके क्या प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट सबके प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं कुछ कर नहीं सकते कुछ चला नहीं सकते बंद नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते ठीक है बस खड़े होकर देख सकते हैं टेयर वन जो है वो एडवांसमेंट ट्रैक वालों को मिलेगा टेयर वन में आपको लिमिटेड आवर्स मिलेंगे इसी टू आप चला सकते ये चला सकते सकते हैं हैं ये अगर आपको ज्यादा करना है तो टेयर टू ले ले, करना है उसमें आवर ज्यादा मिल जाएंगे आपको इसके थ्री करना है तो टेयर थ्री गोल्ड टेयर है जिसमें आपको और ज्यादा चीजें मिल जाएंगी ठीक है ना जो डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेगा उस तमाम लोगों को इसका एक्सेस दिया जाएगा टेयर थ्री उसको बाय डिफॉल्ट दिया जाएगा ताकि वो प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें राइट सो ऑल ऑफ दीज है एक मिनट सबर सो so, ये ये सारी चीजें हैं जो आपको दी जाएंगी इनशालाइट इसके लिए आपको अभी से अपनी प्लानिंग करनी है अभी से एडवांसमेंट जो अप्रोप्रिय एडवांसमेंट ट्रैक्स है उस पर रजिस्टर करना है और उसको प्लान करना है अगर आप डिग्री के लिए जाना चाहते हैं या बाहर काम करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं डिग्री एक रिक्वायरमेंट है रियालिटी है या तो आप किसी और जगह से करें वर्चुअली करें जो भी है मगर आपके पास वर्चुअल डिग्री का ऑप्शन होगा हमारे पास राइट उसकी फी प्रोग्राम क्या है अगर आप पाकिस्तान से बैठ के कर रहे हैं बाहर नहीं जाना उसकी अलग फी स्ट्रक्चर है लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं उसका एक अलग फी स्ट्रक्चर है ठीक है सो ये सारी चीजें आपको हमारी वेबसाइट पे फिर नजर आ जाएंगी ठीक है दिसंबर तक नजर आ जाएंगी लेकिन ये सारे जो बाहर जाने का जो रास्ता है या बाहर कहीं कंपनीज में काम करने का जो रास्ता है वो यहाँ से खुलेगा बिकॉज आफ्टर सिक्योरिंग एक्रेडेशन फ्रॉम फ्रॉम एजुकॉल फ्रॉम बैक फ्रॉम आसाका फ्रॉम from ई from ना And from OFS, ये पूरी जर्नी है एक दो तीन चार ठीक है ना ये चार महीने की जर्नी है पूरी ठीक है एसेक और ये सब साथ आ जाएगा क्योंकि ये तीन महीने के अंदर ही सारे मिल जाएंगे ओ एफ एस का टाइम लगता है बिकॉज हम डिग्री awarding पावर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो दिस टेक्स टाइम बट इसमें हमें फायदा ये होगा कि हम आपको जो डिग्री देंगे वो दुनिया में एक्सेप्टेड होगी वैलिडेटेड होगी वही चीज जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दे रही है ठीक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को 18 महीने लगते हैं जॉब सिक्योर करने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मै नहीं कह रहा हूँ उनकी वेबसाइट के जाके देखो ठीक है हमारे जो ग्रेजुएट्स है जो तो यहाँ से पास होंगे जिनके पास ऑलरेडी पूरा स्किल सेट मौजूद है वो जल्दी जल्दी अपने आप को सिक्योर कर सकेंगे जल्दी जल्दी अपने आप को वो कर सकेंगे और महीनों में कर सकेंगे तीन से छह महीने मैं समझता हूँ बहुत है ठीक है मैं तो कहता हूं कि अगर आपने एडवांसमेंट ट्रैक पहले से खत्म कर लिया लैब्स कर लिए रेज्यूमर बनवा लिया सब कुछ कर लिया यू कैन गो फास्टर यू कैन गो मतलब के स्विफ्टर आप जल्दी जा सकते हैं एक और चीज़ जो हम लोग करेंगे वो ये कि हमें अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारे फैकल्टी की जरूरत है उस फैकल्टी की हायरिंग होगी उसकी जॉब आएगी और हम प्रेफरेंस देंगे अपने लोगों को कि जो एडवांसमेंट ट्रैक्स पढ़ रहे हैं कर रहे हैं उनको प्रेफरेंस देंगे अगर उनके पास पाकिस्तान से बैचलर्स या मास्टर्स है और वो हमारे एडवांसमेंट ट्रैक्स भी कर रहे हैं और उनका कुछ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी बन गया सब कुछ हो गया तो वी देम टू बी वॉन्ट बाई अस टू कम टू यू एंड टीच दे मगर वो पांच साल की कमिटमेंट हमारे साथ करेंगे बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं जो यू में ऑलरेडी बैठे हुए हैं उनको भी मैं प्रेफरेंस दूंगा कि यार तुमने यूके से डिग्री कर ली है कोई कहाँ से पढ़ा है कोई कहाँ से पढ़ा है कोई रोल हॉलोवे से पढ़ रहा है कोई, कहां से पढ़ रहा है, कोई कोवेंट्री uh, से पढ़ रहा है पढ़ा है कहाँ कहाँ पूरी उसमें फैले हुए स्कॉटलैंड में कोई यूनिवर्सिटी से कहां पर है हम उनको भी प्रेफरेंस देंगे बिकॉज वी नीड द फैकल्टी देर राइट तो अगर आप इंडिया में हैं पाकिस्तान में हैं बांग्लादेश में है, नेपाल में मिडिलस्ट में कहीं बैठे हुए हैं आप कहीं पर दुनिया में हैं अगर आपको काम करना है आप इसमें कर, कर सकते हैं एक चीज मैं बता दूं कि रिसेशन प्रूफ जॉब्स किसे कहते हैं ठीक है ना आईटी के अंदर एक होती है रिसेशन प्रूफ जॉब्स ये आखिरी बात करूंगा मैं आपसे ठीक है ना ताकि आपको पता चल जाए कि ग्लोबल वर्कफोर्स के अंदर कौन सी जॉब्स हैं हैं जो कि रिसेशन रिसेशन प्रूफ आए नहीं आए जाए जो भी हो ठीक है ना उसके लिए जो काम है वो आपका रहता है आप हमेशा जो है ना उसमें रहते हैं ग्लोबली दुनिया में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर के लेकिन वो कुछ होगा नहीं

वर्कफोर्स जो है अपने वेयर हाउसेज की कर रहा है क्योंकि वहां रोबोट्स आ चुके हैं जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज भी दिखाई थी कि हर जगह रोबोट्स इंटर हो रहे हैं ठीक है ठीके? तो रिसेशन प्रूफ अगर आपने अपने आप को करना है अगर बीस पच्चीस साल तक अपने आप को सिक्योर करना है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सबसे आप दुनिया में किसी फील्ड से हो कोई भी फील्ड हो आप इट ड मैटर अगर अगर आपको करना है डेवॉप्स ब्लॉक चेन सिसऑप्स ए आई बिग डेटा ये मैं कहूंगा कि एक दो तीन चार और पांच ये वो चीजें हैं आपको लाजमी करनी चाहिए ठीक है अगर आप एक साल में अगर आप कुछ पढ़ सकते हैं मिनिमम पैसे पढ़ो ज्यादा पैसे हैं, साथ मिला के पढ़ो जल्दी काम सिक्योर कर लोगे बिकॉज ये इंडस्ट्री में आ रहा है ठीक है और ज्यादा एक साल में दो ट्रैक से ज्यादा मत पढ़ो अगर बहुत ही ज्यादा तुम्हारे पास टाइम है सब कुछ है ठीक है तो ए कर सकते हो लेकिन मैं कहता हूँ कि एक टाइम पे दो ट्रैक्स पढ़ो ठीक है ना अगर डेव पढ़ लिया तो फिर इसे ऑफ्स भी पढ़ सकते हो एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमारा है ठीक है ना काजिम जो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा उन्होंने ट्रैक पढ़ा है बहुत मेहनत की है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ाई जाएंगी जो उसमें इसने डिलीवर की है इट्स अमेजिंग अगर मैं आपको दिखाऊँ काजिम का ठीक है कि जो उसने अभी पूरा रिलीज किया है सब कुछ किया है एक मिनट सबर कीजिए मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है इट्स अमेजिंग कि उसने कितनी मेहनत की है उसपे और क्या उसने काम किया है और वी आर रिलीजिंग इट बिकॉज हमारा एल एम एस नया आ चुका है इट हैज़ बीन है तो अब आपको एक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा ये जो क्लाउड का जो पूरा है इसमें उसने पूरा क्लाउड आर्किटेक्चर पूरा आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे डिटेल लेवल के ऊपर ठीक है इसमें अगर आपको क्लाउड अगर आप ये एडवांसमेंट ट्रैक लेंगे तो आपको टेयर वन की लैब्स मिलेंगी जिसमें आप थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा आप ना आई पे थोड़ा काम कर सकते हैं थोड़ा ये देख सकते हैं ठीक है कुछ ये कर सकते हैं लेकिन अगर आप टे टू या टे थ्री लेते हैं तो फिर आप अपनी चीजें कन्फिगर भी कर सकेंगे देख भी सकेंगे, रीड भी कर सकेंगे कोर्स है जिसमें इसने पूरा का पूरा लैब पूरे का पूरा जो नेटवर्क है एंटरप्राइज लेवल का वो उसने बनाना सिखाया है आपको अगर आप ये करके जाते हैं देर इज नो वे यू विल बी जॉबलेस ठीक है लेस दिस वे दुनिया में इस बात 100 मिलियन जॉब्स 97 मिलियन यानी कि 10 करोड़ जॉब्स अवेलेबल हैं लेकिन साढ़े आठ करोड़ मिट जाएंगी ठीक है लेकिन नहीं 10 करोड़ जॉब्स क्रिएट होंगी अगर आपको काम करना है दिस इज द पाथवे फॉरवर्ड ओके सो ये मैंने आप सब लोगों को बताया था अब आपके सारे जो डायरेक्टर्स हैं मैनेजर्स हैं आपके पास आएंगे आपसे स्पेसिफिक पॉलिसीज की जरूरत पड़ेगी आपको कंप्लीट करना होगा सब चीजें करनी होगी हमारे पास बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन रेडी है लेकिन आप लोगों को सारा काम करना होगा फाइनली मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूंगा कि मैं अब रोज आना आ, हफ्ते में पाँच दिन बैठूंगा लाइव इसमें आपके सवालत के जवाब दूंगा सब कुछ करूंगा उर्दू और इंग्लिश दोनों में बैठूंगा इंग्लिश में, में मेरी ब्रॉडकास्ट चलेगी और उर्दू में मैं लाइव बैठूंगा इनशा ठीक है जजाक खैर आप सब लोगों का प्लीज़ दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमें इस काम में कामयाबी अता फरमाए हम बहुत टाइम के बाद इस काबिल हुए कि हम कर सकें इसमें लाखों डॉलरों का खर्चा है अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे हिम्मत दे तोफी दे कि हम जो काम करना चाह रहे हैं वो कर सकें फाइनली अगर किसी को भी पढ़ना है और उसके पास पैसे नहीं है वो एफलीट प्रोग्राम से अपने रिस्क कमा सकता है और अपने पैसे निकाल सकता है ठीक है ये कहना कि यार मैं नहीं कर सकता ये गलत है इसके ऊपर मैं पूरी हदीस भी बयान कर सकता हूँ ठीक है अभी टाइम नहीं है आई है लाइक मेरे पास थर्टी मिनट्स थे आई एम एक मिनट रह गया है मैं इतना कहूँगा एफलीट प्रोग्राम हमारा जो है उसमें आप लोग जाकर रजिस्टर करके कर, सारे काम कर सकते हैं गो टू अनाफे ठीक है ना अपनी पढ़ाई के अंदर लगाओ ठीक है अपनी पढ़ाई के अंदर पैसा लगाओ जो भी तुम्हें लगाना है ताकि तुम इससे फायदा हो एफरी प्रोग्राम पे जाओ जाके रजिस्टर करो ठीक है ना पैसे कमा सकते हो फीस निकाल सकते हो बाहर जाने के पास खर्चा निकाल सकते हो सब कुछ कर सकते हो ठीक है ना इसमें तुम्हारे पास सारी चीजें मौजूद हैं जो तुम कर सकते हो ठीक है जजाक इनशा फिर आज लाइव सेशन में मुलाकात होगी जिसमें ब्लॉक चेन और ए आई के ऊपर बात करूंगा सुबह नाम देखा अशद वन तस्तफ़र बतूब السلام عليكم ورحمه الله we can finish this.